तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फैक्ट स्टोरेज के एक और यूनिक और इंटरेस्टिंग से वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के 10 सबसे अमीर फ्री फायर ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स के बारे में बताने वाला हूं, जिन्होंने फ्री फायर के ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स खेलकर काफी सारा पैसा अर्न किया है। और दोस्तों, एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर के और भी कुछ कुछ सोर्सेस होते हैं अर्निंग के, बट जो इनका मेन अर्निंग सोर्स होता है वो होता है ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, जिन टूर्नामेंट्स को खेलकर ये लोग ढेर सारा पैसा अर्न करते हैं। और दोस्तों, जिन ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स के नाम आगे वीडियो में नहीं है, तो वैसा नहीं है कि उन लोगों ने ई स्पोर्ट्स से अर्निंग नहीं की है, बट आगे मैं आपको जिन प्लेयर्स के नाम बताने वाला हूँ वो सब एक्सपीरियंस्ड ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं, जिन्होंने काफी सारे टूर्नामेंट्स खेले हैं और उन टूर्नामेंट से बहुत अर्निंग की है। और एक तरह से आप समझ सकते हैं कि आगे वीडियो में आपको न्यू स्पोर्ट्स प्लेयर्स के नहीं बल्कि ओल्ड स्पोर्ट्स प्लेयर्स के नाम बताने वाला हूं, जो कि काफी समय से टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि जो काफी टाइम से टूर्नामेंट खेल रहा है उसने ज्यादा टूर्नामेंट्स खेले होंगे, और जिसने जितना ज्यादा टूर्नामेंट खेला होगा उसने उतनी ज्यादा अर्निंग की होगी। सो होप कि आप लोग ये बात समझ गए होंगे। आगे वीडियो में सभी प्लेयर्स की नंबरिंग उनके अर्निंग के अकॉर्डिंग की गई है। सो ये सभी बातें मैंने आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले समझा दी है। सो अब वीडियो को बिल्कुल ध्यान से एंड तक जरूर देखिएगा, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि फ्री फायर से रिलेटेड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और अमेजिंग वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती है। तो चलिए फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, तो दोस्तों 10वें नंबर पर जो वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट फ्री फायर ई स्पोर्ट्स प्लेयर आते हैं उनका नाम है वासियो, जो कि हमारे कंट्री इंडिया से ही बिलोंग करते हैं, और इनका रियल नेम है वत्सल गरासिया, और अभी इनकी एज हो रही है 22 इयर्स। और वासियो भाई इंडिया के वन ऑफ द ओल्डेस्ट फ्री फायर ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स में से एक है, और इन्हें इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट IQ वाले ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स में से एक माना जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा समझदारी और चालाकी के साथ खेलते हैं, और अपने इसी समझदारी से इन्होंने अपनी टीम को काफी सारे टूर्नामेंट्स जितवाने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और अभी करंटली वासियो भाई इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट ई स्पोर्ट्स टीम गैलेक्सी रेसर की तरफ से ई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं। और फाइनली बात करें इनके ई स्पोर्ट्स अर्निंग की, तो हमारे वासियो भाई ने अब तक ई स्पोर्ट्स से टोटल $11,000 यानी लगभग 8 लाख रुपए अर्न किए। नंबर 9, तो दोस्तों 9वें नंबर पर जो वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट फ्री फायर ई स्पोर्ट्स प्लेयर आते हैं उनका नाम है मिस्टर जय, और ये भी हमारे कंट्री इंडिया से बिलोंग करते हैं, और इनका रियल नेम है जयेश यादव, और अभी इनकी एज हो रही है 19 इयर्स, और ये इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स में से एक है, लेकिन ये काफी अंडररेटेड प्लेयर है हमारे कंट्री के, बट ई स्पोर्ट्स में इन्होंने काफी नाम कमाया है, और ये एक ऑलराउंडर प्लेयर है, और ये सभी गन्स बहुत ओपी तरीके से चला लेते हैं, और अपनी टीम के ये एक रशर प्लेयर भी है और एक बेहतरीन स्नाइपर प्लेयर भी है, और अपने इसी ऑलराउंड स्पेशलिटी से इन्होंने अपनी टीम को काफी सारे टूर्नामेंट्स जितवाए हैं, और अभी करंटली हमारे जय भाई TSM नाम की ई स्पोर्ट्स टीम की तरफ से ई स्पोर्ट्स खेलते हैं, जो कि इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट ई स्पोर्ट्स टीम्स में से एक है। और फाइनली बात करें इनके ई स्पोर्ट्स अर्निंग की, तो इन्होंने अब तक ई स्पोर्ट्स से टोटल $14,000 यानी लगभग 10.5 लाख रुपए अर्न किए हैं। नंबर 8, तो दोस्तों 8वें नंबर पर जो वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट फ्री फायर ई स्पोर्ट्स प्लेयर आते हैं उनका नाम है माफिया बाला, जो कि हमारे कंट्री इंडिया से ही बिलोंग करते हैं, और इनका रियल नेम है वोरा हित कुमार निलेश, और अभी इनकी एज हो रही है 22 इयर्स, और हमारे माफिया बाला भाई भी एक ऑलराउंडर प्लेयर है, ये सभी गन्स बहुत परफेक्टली हैंडल कर लेते हैं, और इसी वजह से इनका गेम प्ले भी काफी ओपी लेवल का है, और अपने इसी ऑलराउंड गेम प्ले से इन्होंने अपनी टीम को काफी सारे टूर्नामेंट्स जितवाए हैं, और अभी करंटली हमारे माफिया बाला भाई इंडिया की सबसे बेस्ट ई स्पोर्ट्स टीम टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स की तरफ से खेलते हैं। और फाइनली बात करें इनके ई स्पोर्ट्स अर्निंग की, तो अभी तक हमारे माफिया बाला भाई ई स्पोर्ट्स से टोटल $17,000 यानी लगभग 12.5 लाख रुपए अर्न कर चुके हैं। तो दोस्तों, ये लोग तो ई स्पोर्ट्स खेलकर काफी सारा पैसा अर्न कर रहे हैं, तो आप लोगों को भी ऐसे ही ऑनलाइन सेविंग करनी है तो मैं आपको एक एप्लीकेशन सजेस्ट करूंगा जिसका नाम है कैश करो, जो कि इंडिया का सबसे ज्यादा कैशबैक और रिवॉर्ड्स देने वाला ऐप है, और इस ऐप से आप काफी सारा सेविंग कर सकते हो। बताता हूँ कैसे। इस ऐप में कपड़ों से लेकर खाने के सामान और सभी डेली एसेंशियल्स पर कैशबैक है, और अब आपको अपने फोन में 10-15 ऐप्स रखने की जरूरत नहीं है। कैश करो पे Amazon, Myntra, Ajio और बिग बाजार जैसी 1500+ वेबसाइट्स जिन पे आपको मिलेंगे ढेर सारे रिवॉर्ड्स और कैशबैक, और ये है रियल कैश जिसे आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो, यानी बोलो तो फ्री का पैसा और बिल्कुल असली कैश। और इस ऐप की सबसे दमदार बात यह है कि इस ऐप को खुद रतन टाटा जी ने फंड किया है, सो इस ऐप को हल्के में मत लेना। और जैसा कि अभी फेस्टिवल का सीजन चल रहा है, तो Amazon, Myntra और Ajio जैसे कई सारे वेबसाइट पे सेल चल रहे हैं जहां आप डिस्काउंट पे शॉपिंग कर सकते हैं, और अगर आप इस ऐप से शॉपिंग करते हो तो आपको एक्स्ट्रा कैशबैक मिल जाएगा। तो इसे यूज करना बहुत आसान है, सिर्फ 2 सिंपल स्टेप्स है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सीधा जाओ और डाउनलोड करो कैश करो ऐप। इस ऐप को आप डायरेक्टली प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो, और यूज करो मेरा कोड storage25 और तुरंत पाओ ₹25। और इस ऐप में जाने के बाद कोई वेबसाइट सर्च करके ये ऑरेंज वाला बटन दबाओ और नॉर्मली शॉपिंग करो जैसे शॉपिंग करते हो, और माई अर्निंग में जाके आप अपने सारे कैशबैक देख सकते हो, और फिर इस मनी को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो या इसका अमेजन गिफ्ट कार्ड बना सकते हो, ये आपकी मर्जी है। सो जल्दी से जाइए डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कीजिए कैश करो और ढेर सारा पैसा कमाइए।
और दोस्तों मैंने और कैश करो वालों ने आप लोगों के लिए एक सरप्राइज गिव अवे रखा है, जिसमें किन्हीं 2 लकी विनर्स को मिलेंगे बॉट ब्लूटूथ स्पीकर्स और किन्हीं 5 लकी विनर्स को मिलेंगे 200 रुपए के अमेजोन गिफ्ट वाउचर्स। सो जल्दी जाइए कैश करो पे और शॉपिंग करना स्टार्ट कीजिए। नंबर 7, तो दोस्तों 7वें नंबर पर जो वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट फ्री फायर ई स्पोर्ट्स प्लेयर आते हैं उनका नाम है फौजी अजय, और ये भी हमारे कंट्री इंडिया से ही बिलोंग करते हैं, और इनका रियल नेम है अजय शर्मा, और अभी इनकी एज हो रही है 23 ईयर्स। और हमारे फौजी अजय भाई इंडिया के सबसे बेस्ट फ्री फायर ई स्पोर्ट्स कैप्टन है, और अभी करंटली ये इंडिया की सबसे बेस्ट फ्री फायर ई स्पोर्ट्स टीम टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स के कैप्टन है, और इनके कैप्टनशिप में टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स ने काफी सारे टूर्नामेंट्स और अचीवमेंट्स अपने नाम कर रखे हैं, और ये बहुत अच्छे तरीके और बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ अपनी टीम को लीड करते हैं, और इनके इसी बेस्ट कैप्टनसी की वजह से हमारे फौजी अजय भाई को ऑफिशियली गरीना की तरफ से 2020 का बेस्ट कैप्टन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल चुका है, जो कि एक प्राउड करने वाली बात है। और फाइनली बात करें इनके ई स्पोर्ट्स अर्निंग की, तो हमारे फौजी अजय भाई अब तक ई स्पोर्ट्स से टोटल $18,800 यानी लगभग 14 लाख रुपए अर्न कर चुके हैं। नंबर 6, तो दोस्तों 6वें नंबर पे जो वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट फ्री फायर ई स्पोर्ट्स प्लेयर आते हैं उनका नाम है पहाड़ी, और ये भी हमारे कंट्री इंडिया से ही बिलोंग करते हैं, और इनका रियल नेम है लोकेश करकोती, और अभी इनकी एज हो रही है 20 इयर्स। और आप में से काफी लोग हमारे पहाड़ी भाई को तो जानते ही होंगे, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड के सबसे डेंजरस फ्री फायर ई स्पोर्ट्स स्नाइपर प्लेयर हैं, और इनकी जो स्नाइपरिंग है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट और एक्यूरेट होती है, और इनकी स्नाइपरिंग में सबसे ज्यादा स्पेशल बात यह है कि इनके स्नाइपर के शॉट्स बहुत कम मिस होते हैं, और अपने इसी ओपी लेवल के स्नाइपरिंग से इन्होंने अपनी टीम को काफी सारे टूर्नामेंट्स जितवाया है और काफी सारे टूर्नामेंट्स में रनर अप करवाया है। और ये कितना बेहतरीन स्नाइपर चलाते हैं इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हमारे पहाड़ी भाई को ऑफिशियली गरीना की तरफ से 2020 का स्नाइपर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल चुका है, जो कि एक इंडियन के लिए बहुत प्राउड करने वाली बात है। और जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे पहाड़ी भाई अभी करंटली टीम इलीट की तरफ से ई स्पोर्ट्स खेलते हैं, जो कि इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट ई स्पोर्ट्स टीम्स में से एक है। तो फाइनली बात करें इनके टोटल ई स्पोर्ट्स अर्निंग की, तो हमारे पहाड़ी भाई अब तक ई स्पोर्ट्स से टोटल $23,000 यानी लगभग 17 लाख रुपए अर्न कर चुके हैं। नंबर 5, तो दोस्तों 5वें नंबर पे जो वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट फ्री फायर ई स्पोर्ट्स प्लेयर आते हैं उनका नाम है सैम 13, और ये इंडोनेशिया कंट्री के रहने वाले हैं, और इनका रियल नेम है सैफुल मुहर्रम, और अभी इनकी एज हो रही है 20 इयर्स, और ये इंडोनेशिया के सबसे बेस्ट फ्री फायर ई स्पोर्ट्स प्लेयर है, और साथ ही सैम 13 वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट रशर प्लेयर्स में से एक है, और अभी करंटली ये इवोस ई स्पोर्ट्स इंडोनेशिया नाम की ई स्पोर्ट्स टीम की तरफ से ई स्पोर्ट्स खेलते हैं, और इनका जो गेम प्ले है वो काफी ओपी लेवल का है, और मैक्सिमम टाइम अपनी टीम की तरफ से सबसे ज्यादा किल्स निकालते हैं, और अपने इसी ओपी गेम प्ले के दम पर इन्होंने अपनी टीम को काफी बड़े बड़े टूर्नामेंट जितवाने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और फाइनली बात करें इनके ई स्पोर्ट्स अर्निंग की, तो सैम 13 अब तक ई स्पोर्ट्स से टोटल $58,000 यानी लगभग 43.5 लाख रुपए अर्न कर चुके हैं। नंबर 4, तो दोस्तों 4थे नंबर पे जो वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट फ्री फायर ई स्पोर्ट्स प्लेयर आते हैं उनका नाम है क्रोनोस, जो कि ब्राजील कंट्री से बिलोंग करते हैं, और इनका रियल नेम है अरियानो फरीदा सोर्स, और अभी इनकी एज हो रही है 21 इयर्स। और क्रोनोस पूरे वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट ई स्पोर्ट्स स्नाइपर प्लेयर्स में से एक है, और साथ ही ये पूरे ब्राजील कंट्री के सबसे डेंजरस स्नाइपर प्लेयर है, और इनकी भी जो स्नाइपरिंग है वो बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है, और इनके अंदर की एक बहुत ही यूनिक स्पेशलिटी ये है कि ये अपने अपोनेंट के बंदों को बहुत ही ज्यादा फास्ट स्पॉट कर लेते हैं, और जब ये और इनकी टीम फाइट लेती है तो ये बहुत ही परफेक्टली अपने अपोनेंट के बंदों की लोकेशन स्पॉट कर लेते हैं, और अभी करंटली ये पूरे वर्ल्ड की सबसे बेस्ट फ्री फायर ई स्पोर्ट्स टीम लाउड की तरफ से ई स्पोर्ट्स खेलते हैं, और अपने ओपी स्नाइपर गेम प्ले से इन्होंने काफी सारे टूर्नामेंट्स को अपनी टीम को जितवाने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और फाइनली बात करें इनके ई स्पोर्ट्स अर्निंग की, तो क्रोनोस अब तक ई स्पोर्ट्स से टोटल $60,000 यानी लगभग 45 लाख रुपए अर्न कर चुके हैं। नंबर 3, तो दोस्तों 3रे नंबर पे जो वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट फ्री फायर ई स्पोर्ट्स प्लेयर आते हैं उनका नाम है नोब्रू, जो कि ब्राजील कंट्री के रहने वाले हैं, और इनका रियल नेम है ब्रूनो बोज, और अभी इनकी एज हो रही है 20 इयर्स। और दोस्तों नोब्रू पूरे वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट फ्री फायर ई स्पोर्ट्स प्लेयर और पूरे वर्ल्ड के सबसे बेस्ट ई स्पोर्ट्स कैप्टन्स में से एक है, और दोस्तों नोब्रू को पूरे वर्ल्ड के सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ खेलने वाले ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स में से एक माना जाता है, और अभी करंटली ये टीम फ्लक्सो नाम की ई स्पोर्ट्स टीम की तरफ से ई स्पोर्ट्स खेलते हैं, और इस टीम के ओनर और कैप्टन दोनों नोब्रू ही हैं, और इनकी टीम जो है वो पूरे ब्राजील की वन ऑफ द बेस्ट ई स्पोर्ट्स टीम्स में से एक है, और नोब्रू भाई ने बहुत कम एज में बहुत सारे अचीवमेंट्स अपने नाम कर रखे हैं, और अपने ओपी गेम प्ले और बेस्ट कैप्टनशिप
लीडरशिप और बेस्ट स्ट्रेटजी से इन्होंने अपनी टीम को काफी सारे टूर्नामेंट जितवा रखे हैं। और फाइनली बात करें इनके ई स्पोर्ट्स अर्निंग की, तो नोबरू अब तक ई स्पोर्ट्स से टोटल 89,000 डॉलर्स यानी लगभग 67 लाख, बोले तो 67 लाख रुपए अर्न कर चुके हैं। नंबर टू, तो दोस्तों दूसरे नंबर पे जो वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट फ्री फायर ई स्पोर्ट्स प्लेयर आते हैं उनका नाम है जोएना, जो कि थाईलैंड कंट्री से बिलोंग करते हैं और इनका रियल नेम है चिरासक मूनसार और अभी इनकी एज हो रही है 15 साल। और जोएना पूरे वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट फ्री फायर ई स्पोर्ट्स स्नाइपर प्लेयर्स में से एक है और ये बहुत ही ज्यादा फास्ट और एक्यूरेट स्नाइपर चलाते हैं और अपने इसी ओपी स्नाइपरिंग से इन्होंने अपनी टीम को काफी सारे टूर्नामेंट्स जितवा रखे हैं और अभी करंटली ये फिनिक्स फोर्स नाम की ई स्पोर्ट्स टीम की तरफ से ई स्पोर्ट्स खेलते हैं और इन्हीं की टीम फिनिक्स फोर्स हाल ही में हुए फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज टूर्नामेंट की विनर थी और इस टूर्नामेंट को जितवाने में हमारे जोएना भाई का भी एक बहुत बड़ा हाथ था और ऐसे ही इन्होंने अपनी टीम को और भी कई सारे टूर्नामेंट जितवाने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। और फाइनली बात करें इनके ई स्पोर्ट्स अर्निंग की, तो इन्होंने अब तक ई स्पोर्ट्स से टोटल 1,34,000 डॉलर्स यानी लगभग 1 करोड़ रुपए अर्न किया है और आप इन्हें 15 साल का एक करोड़पति बच्चा भी कह सकते हैं जो कि एक गेम खेलकर करोड़पति बना है। नंबर वन, तो दोस्तों सबसे पहले नंबर पे जो वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट फ्री फायर ई स्पोर्ट्स प्लेयर आते हैं उनका नाम है द क्रूज और ये भी थाईलैंड कंट्री से बिलोंग करते हैं और इनका रियल नेम है पियापॉन बुनचुआय और अभी इनकी एज हो रही है 17 इयर्स। और दोस्तों द क्रूज पूरे वर्ल्ड के सबसे बेस्ट ई स्पोर्ट्स रशर प्लेयर हैं और ये बहुत ही ओपी तरीके से रश करते हैं और ढेर सारे किल्स निकालते हैं और ये उन रशर प्लेयर्स में से नहीं है जो कि कैसे भी बिना सोचे समझे रश कर दे, ये एक फुल प्रूफ स्ट्रेटजी के साथ रश करते हैं और मैक्सिमम किल्स करते हैं और अभी करंटली ये फिनिक्स फोर्स नाम की ई स्पोर्ट्स टीम की तरफ से ई स्पोर्ट्स खेलते हैं और फिनिक्स फोर्स टीम ने ही हाल ही में हुए वर्ल्ड सीरीज टूर्नामेंट को अपने नाम किया था और वर्ल्ड सीरीज टूर्नामेंट को अपनी टीम को जितवाने में द क्रूज ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था और उस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा किल्स द क्रूज ने ही किया था और MVP का अवार्ड भी जीता था। और फाइनली बात करें इनके ई स्पोर्ट्स अर्निंग की, तो द क्रूज अब तक ई स्पोर्ट्स से टोटल 1,44,000 डॉलर्स यानी लगभग 1,07,00,000 रुपए अर्न कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों फाइनली वीडियो यहीं पे खत्म होती है, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्री फायर लवर, फ्री फायर ई स्पोर्ट्स लवर और फ्री फायर इन्फॉर्मेशन लवर दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिएगा और हाँ खासकर ये वीडियो अपने उस फ्रेंड को जरूर शेयर कीजिएगा जो कि एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर बनना चाहता है क्योंकि इन लोगों की अर्निंग देख के वो लोग इंस्पायर होंगे कि भाई ये भी ई स्पोर्ट्स से अर्निंग कर रही है, गेम खेलकर अर्निंग कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, वो लोग अपने गेम प्ले को और सुधारेंगे और होप करता हूँ कि वो लोग एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर बनेंगे। और हाँ अगर आप मेरे से वॉइस टू वॉइस बात करना चाहते हैं तो रोज शाम 5 बजे मैं अपने डिस्कॉर्ड सर्वर पे ऑनलाइन आता हूँ, वहाँ मैं अपने सब्सक्राइबर से बात करता हूँ तो वहाँ पाकर बात कर सकते हैं मेरे से। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक है, आपको फटाक से जाना है और मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर लेना है। सो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्कॉर्ड सर्वर को मेरे ज्वाइन कीजिए फास्ट। और हाँ अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर से बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा क्योंकि फ्री फायर से रिलेटेड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और यूनिक वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ कैश करो के गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक से या प्ले स्टोर से जाके कैश करो को डाउनलोड करना है, फिर मेरा कोड storage25 यूज करना है, साइन अप करते ही आपको मिलेंगे 25 रुपए और फिर आपको एक छोटा सा ट्रांजैक्शन करना है, चाहे आप मिंत्रा से कपड़े खरीद लो या स्विगी से खाना ऑर्डर कर लो और ऐसा करने वाले किन्हीं 2 लकी विनर्स को मिलेंगे बॉट ब्लूटूथ स्पीकर्स और किन्हीं 5 लकी विनर्स को मिलेंगे 200 रुपए के Amazon गिफ्ट वाउचर्स। सो जाओ ऐश करो, कैश करो।